नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी में एक बार फिर स्वागत है। एक बात जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुछ देर रुक जाइएगा, वीडियो देखिएगा। अगर आपको ये लगे कि हाँ हमारी जो क्लास है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वीडियो सब्सक्राइब मतलब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम लोग जो है आज हिस्ट्री का जो अगला टॉपिक है हमारा, ठीक, हिस्ट्री आपकी कुछ दिन से नहीं चल रही थी, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी और कुछ अन्य समस्या थी। जैसे कि मैंने कहा था कि परीक्षा आने के पहले पहले आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, तो परीक्षा आपकी सितंबर लास्ट तक होनी है। सितंबर लास्ट के पहले पहले आपका हिस्ट्री, रीजनिंग, ये दोनों चीज आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। स्टैटिक जीके भी आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, पॉलिटी आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी, मैथ आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। इतनी चीज आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी एग्जाम आने से पहले पहले, ठीक। तो जैसा कि हमने कहा था तो उसी क्रम में आज जो है हमारा मिडिवल हिस्ट्री का आखिरी पार्ट रहेगा, अर्थात आज आपकी मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो पुर्तगालियों के आगमन से जो है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं, लेकिन मैं जो है मुगलों के पतन से जो है मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानता हूं, क्योंकि जो है जब मुगलों का पतन होना शुरू हुआ था तो वही अंग्रेज लोग, वही पुर्तगाली लोग, वही सब लोग आए थे, ठीक। तो चूंकि हमको पता है कि पहला अंग्रेज जो है अकबर के समय में आया था, अर्थात मुगल के समय में ही जो है अंग्रेजों का आना, पुर्तगालियों का आना, इनका सबका आना जो है शुरू हो गया था मुगलों के समय से ही। तो इसीलिए जो मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे वो मुगल के बाद ही पढ़ेंगे। तो अर्थात जो है जो हमारा मुगल का आखिरी बादशाह था, मुगल काल का आखिरी बादशाह जो था वो हमारा था औरंगजेब। तो मुगल काल का आखिरी बादशाह हमारा था औरंगजेब, और औरंगजेब का नाम ही एक था आलमगीर। औरंगजेब का दूसरा नाम जो था वो था आलमगीर था, ठीक। तो देखिए, औरंगजेब का जो शासन था वो 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक का था, ठीक। 1658 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का जो समय था वो आपका जो है औरंगजेब का समय था, ठीक। और होता क्या है कि औरंगजेब जो है इसका जन्म 1618 ईस्वी में दोहद यानी कि उज्जैन में हुआ था, ठीक। औरंगजेब का जन्म की अगर बात की जाए तो जन्म 1618 ईस्वी में दोहद नामक स्थान पर हुआ था जो कि उज्जैन में था। कहां पर था? उज्जैन में था, ठीक। तो ये तो औरंगजेब के जन्म की बात है। ये जो है औरंगजेब कट्टर शासक था, ठीक। तो इसीलिए जो है या और मतलब कि औरंगजेब जो था ये एक कट्टर बादशाह था जिसको जिंदा पीर कहते थे, ठीक। औरंगजेब कौन था? यह कट्टर बादशाह था या कट्टर शासक था जिसको एक नाम और दिया गया जो कि जिंदा पीर नाम से जाना जाता है, ठीक। तो औरंगजेब को ही एक और नाम से जाना जाता है जो कि क्या है? जिंदा पीर है। उसी के बाद देखिए, उसी के बाद जो है औरंगजेब की जो शादी होती है, औरंगजेब की अगर हम इसकी बात करें, अगर इसके गुणों की तुलना करें तो ये अनुशासित और मतलब औरंगजेब जो था वो अनुशासित और अपने धर्म के मतलब कि खिलाफ नहीं जाता था और बहुत कड़ा था, मतलब कठोर था। और इसकी जो शादी हुई थी, इसकी शादी जो है एक लड़की थी जिसका नाम था दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम या फिर रजिया बीबी जिसका नाम और था एक, तो दिलरास बानो बेगम या रजिया बीबी से इसकी शादी हुई थी। दिलरास बानो बेगम या फिर इसी का नाम था रजिया बीबी, और इन्हीं की याद में औरंगजेब ने एक मतलब कि ताजमहल ही समझ लीजिए जिसको बीबी का मकबरा बोलते थे, बीबी का मकबरा बनवाया था,
ठीक, बीबी का मकबरा रवाया था और जिसे जो है फुहड़ ताजमहल, ताजमहल की कॉपी करके इसको बनवाया गया था, जिसको फुहड़ ताजमहल या मतलब कि फुहड़ ताजमहल या बदसूरत ताजमहल या ताजमहल की एक झूठी इमारत जो है नाम दिया गया था। और देखिए यह बना कहाँ था, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बना था। कहाँ बना था ये? बना था महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बना था, जिसे अकबर ने बनवाया था। ठीक, तो देखिए 1600 अकबर को कट्टर बादशाह क्यों कहा जाता था, तो उसके लिए हम बताएंगे आपको कि 1662 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा और 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। ठीक, सती प्रथा, दास प्रथा पर क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, और एक चीज, शराब, शराब और जुए, शराब और जुए पर भी प्रतिबंध लगाने वाला बादशाह कौन था? तो वो था औरंगजेब था। उसी के साथ साथ नवरोज, नवरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगाने वाला बादशाह कौन था? तो नवरोज त्योहार पर भी प्रतिबंध लगाने वाला बादशाह जो था वो औरंगजेब ही था। ठीक, तो याद रखिएगा। उसी तरह अगर हम बात करें तो मुहर्रम पर भी जो है औरंगजेब ने ही रोक लगवाई थी। कौन सी? मुहर्रम। मुहर्रम त्योहार पर भी औरंगजेब ने ही प्रतिबंध लगाया था। इसी के बाद हम देखेंगे 1664 ईस्वी में ही, 1664 ईस्वी में ही अकबर ने दो कर और जो महत्वपूर्ण कर थे उसकी शुरुआत कर दी। कौन कौन से? जजिया और तीर्थ यात्रा का। अकबर ने इसको बंद किया था और औरंगजेब ने इसको फिर से शुरू कर दिया। 1664 ईस्वी में जजिया और तीर्थ यात्रा का, 1664 ईस्वी में ही अकबर ने जजिया और तीर्थ यात्रा करके शुरुआत कर दी थी। उसी की बात करें तो 1664 ईस्वी में ही, 1664 ईस्वी में ही सूरत की, सूरत की पहली लूट हुई थी, सूरत की पहली लूट हुई थी। और सूरत की पहली लूट मतलब सूरत, चूंकि ये मुगलों का, मुगलों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, सूरत जो था मुगलों का प्रसिद्ध बंदरगाह था, और जिस समय औरंगजेब शासन कर रहा था उसी समय दक्षिण भारत में, अर्थात दक्षिण भारत में औरंगजेब का जो समकालीन था ना, औरंगजेब का जो समकालीन था वो मराठा था। कौन था? मराठा। औरंगजेब के समकालीन कौन था? मराठा था, और जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी। ठीक, जिसका नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी, तो छत्रपति शिवाजी अकबर के, औरंगजेब के समकालीन थे, और छत्रपति शिवाजी ने ही सूरत की पहली लूट की थी 1664 ईस्वी में। और ये क्यों की थी? क्योंकि जो है ये सूरत जो था, सूरत मुगलों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। जितने भी महत्वपूर्ण आयात और निर्यात होते थे वो सभी सूरत बंदरगाह से ही किए जाते थे। तो इसीलिए जो है और मराठा अर्थात शिवाजी ने क्या किया कि सूरत पर पहली लूट की। तो ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि सूरत की पहली लूट कब हुई थी? तो सूरत की पहली लूट 1664 ईस्वी में हुई थी। इसी के बाद अगर हम बात करें, इसी के बाद अगर हम बात करें तो 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में जय सिंह को, जय सिंह जो कि औरंगजेब का सेनापति हुआ करता था, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सेनापति हुआ करता था, उसको जो है
औरंगजेब ने भेजा, कहां भेजा? शिवाजी के पास। तो देखिए होता क्या है कि जयसिंह को जो है आक्रमण करने के लिए, शिवाजी के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजता है, किसको भेजता है? जयसिंह को भेजता है। और जयसिंह को जो है उसने जो है एक संधि कर दी, ठीक। जयसिंह जो है शिवाजी से मिलकर के एक संधि करता है और जिसको पुरंदर की संधि नाम दिया जाता है। तो हम आगे चर्चा करेंगे, यानी कि 1664 ईस्वी में लूट की थी शिवाजी ने, और 1665 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। लेकिन होता क्या है कि शिवाजी जो है मजबूर होकर के शिवाजी को संधि करनी पड़ती है, और जो संधि करनी पड़ती है उस संधि का नाम था पुरंदर की संधि, ठीक। तो प्रश्न बनता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। उसी के बाद देखिए होता क्या है कि जो पुरंदर की संधि हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया, दो बातें सामने आई। पहली बात तो यह सामने आई कि शिवाजी ने मुगलों के जितने भी किले जीते हैं, शिवाजी ने मुगलों के जितने भी किले जीते हैं वो सभी किले मुगलों को वापस कर दिए। पहली बात तो ये हुआ, जो संधि हुई उस संधि में पहली बात ये आई कि मुगलों के जितने भी किले शिवाजी ने जीते हैं वो सभी किले वापस कर दिए। दूसरी चीज आई कि शिवाजी और उसका पुत्र जो है वो औरंगजेब से दरबार में जाकर मिले। ये दो बातें सामने आई, ठीक। होता क्या है इसके बाद, तो यानी कि शिवाजी और उसके पुत्र, अर्थात शिवाजी और उसका पुत्र यानी कि संभाजी, तो शिवाजी और संभाजी जो है औरंगजेब से मिलने उनके दरबार में जाते हैं आगरा, ठीक। उनके दरबार में जाते हैं तो इन्हें जयपुर भवन जो कि आगरा में ही है वहीं पर इनको कैद कर लिया जाता है, ठीक। शिवाजी और संभाजी को जयपुर भवन आगरा में कैद कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। लेकिन चूंकि हम लोगों को पता है कि शिवाजी को एक नाम दिया जाता था पहाड़ी चूहा, अर्थात शिवाजी को औरंगजेब की जो सेना थी वो संभाल कर रख नहीं पाई और शिवाजी भाग निकले। तो हुआ क्या, 1670 ईस्वी में, ठीक, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि होती है, 1665 ईस्वी में शिवाजी और संभाजी को कैद किया जाता है। उसी के बाद 1670 ईस्वी में शिवाजी भाग निकलता है और सूरत की दूसरी लूट करता है। यह प्रश्न मैंने कहा कि डायरेक्ट पूछा जाता है कि सूरत की पहली लूट कब हुई थी, तो 1664 ईस्वी में। सूरत की दूसरी लूट कब हुई थी? 1670 ईस्वी में, ठीक। डायरेक्ट प्रश्न बनता है, तो देखिए 1670 ईस्वी में सूरत की दूसरी लूट होती है और यह भी कौन करता है? यह भी शिवाजी करता है। कौन करता है? यह भी जो है शिवाजी करता है। तो सूरत की जो दूसरी लूट हुई थी वो भी शिवाजी ने की थी, सूरत की पहली लूट जो हुई थी वो भी शिवाजी ने की थी। और सूरत को क्यों लूटता था शिवाजी? क्योंकि सूरत अंग्रेजों का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था, ठीक। तो आगे अगर हम चर्चा करें तो औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहार को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था 1668 ईस्वी में, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 1670 संधि बताए फिर 1668 बताए। इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि शिवाजी भागा था, और भागा था इसलिए जो है ये बताया पहले हमने। तो 1668 में अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने तो अंग्रेजों कह रहा हूं सॉरी
औरंगजेब ने सभी हिंदू त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पहला चीज 1668 ईस्वी में। इसी के बाद जो है 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने तीन प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट करा दिया। वो तीन प्रसिद्ध मंदिर कौन था? सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और केशवराज मंदिर। तीन मंदिर कौन कौन सा? काशी विश्वनाथ मंदिर, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए सब लोग, एक बार जल्दी से सब लोग शेयर करिए और कमेंट करिए, बताइए कि जो मैं बता रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जो देखिए आप ही लोगों के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर आप लोग शेयर और सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताइए ये सब कैसे चलेगा। मैं लेकिन ये फिक्स है कि आपके एग्जाम आने से पहले पहले मैं पूरा जो है कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। तो काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर और केशव राव मंदिर, तीन मंदिर था आपका, ठीक। हेलो अंकित, हाँ सर, थैंक यू अंकित। मोहित, थैंक यू। दीपक, सर ये मंदिर कहाँ है? चलिए देखिए, जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है ये तो आपको पता ही है बनारस में है, ठीक, काशी विश्वनाथ मंदिर आपका बनारस में है, ठीक दीपक। और जो आपका ये काशी विश्वनाथ मंदिर का सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, आप सबको पता है सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है, ठीक। इसी पर जो है महमूद गजनबी जो था वो 17 बार आक्रमण किया था भारत में और सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से लूट करके बेकार कर दिया था। और केशव मंदिर जो है ये आपका मथुरा में है। मंदिर का जो है एक वीडियो आएगा जिसमें आपका जो है सारा मंदिर, जितने भी मंदिर हैं प्रसिद्ध मंदिर, उन सारे मंदिरों के विषय में चर्चा की जाएगी, स्टैटिक जीके में उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए 1669 ईस्वी में नष्ट कर दिए तीन प्रसिद्ध मंदिर को क्या किया औरंगजेब ने? नष्ट कर दिया। इसी के बाद 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी, जो कि सिखों के नौवे गुरु थे। कौन थे? सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो कि सिखों के नौवे गुरु थे। तो सिखों के नौवे गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की? तो औरंगजेब ने की थी। और देखिए इनकी हत्या कब की गई थी? 1665 ईस्वी में की थी। और इन्हीं गुरु तेग बहादुर सिंह जो थे इन्हीं के नाम पर जो है शीशगंज साहिब गुरुद्वारा बना है। शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, ठीक। तो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा किसके उस पर बना है? तो गुरु तेग बहादुर के उस पर बनाया गया है। और अगर हम वही बात करें तो 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया। तो जजिया कर जो है पुनः कब लगाया? 1669 ईस्वी में लगाया। उसी के बाद अगर हम बात करें तो अकबर के पांच पुत्र थे। फिर होता क्या है कि पांचों पुत्र में जो है मुठभेड़ होती है, मतलब राज्य के लिए। तो उसमें जो है सबसे बड़ा पुत्र जो था औरंगजेब के पांच पुत्र थे और पांच पुत्र में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम अकबर था, ठीक, बड़ा पुत्र था। तो सबसे बड़े पुत्र का नाम अकबर था। अब आप ये मत सोचिएगा अकबर वो दूसरा है, इसका भी नाम अकबर था इसके बड़े पुत्र का। तो होता क्या है कि अकबर का विद्रोह होता है और 1681 ईस्वी में होता है। 1681 ईस्वी में अकबर का विद्रोह होता है
जब औरंगजेब उसे मारने के लिए भागता है अर्थात मारना चाहता है तो वो मराठों के पास चला जाता है। ठीक, तो क्या था, अकबर का विद्रोह था। ठीक, तो अकबर का विद्रोह, हाँ दीपक, अकबर जो है वो दूसरा अकबर है जो आप बोल रहे हैं 1605 ईस्वी में जो जिसकी मृत्यु हुई थी वो दूसरा अकबर है, और ये औरंगजेब के पुत्र का नाम भी अकबर ही था। तो 1681 ईस्वी में, 1681 ईस्वी में अकबर का विद्रोह होता है, अकबर का विद्रोह होता है और अकबर भाग करके संभाजी के पास पहुंच जाता है। संभाजी कहां पे थे, दक्षिण में थे, मराठा के जो है प्रसिद्ध नेता थे। ठीक, तो मराठों के जो है सरदार एक प्रकार से मान लीजिए इनको। तो होता क्या है कि जब वो संभाजी के पास चला जाता है तो इसी के अगले साल 1682 ईस्वी में, 1682 ईस्वी में औरंगजेब जो है दक्षिण भारत मिशन पर या दक्षिण भारत अभियान पर जाता है। और देखिए यही जो है औरंगजेब की मृत्यु का कारण माना जाता है, दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान ही औरंगजेब की मृत्यु का कारण माना जाता है। होता क्या है, इसे जो है कुछ इतिहासकार औरंगजेब की कब्र कहते हैं, औरंगजेब की कब्र। ठीक, तो इसमें जो है 1682 ईस्वी में दक्षिण भारत अभियान पर जाता है, वहां पर जब जाता है तो ये शिवाजी के पास पहुंचता है, संभाजी के पास, तो पता चलता है कि जो अकबर था वो वहां से भाग गया था। तो औरंगजेब जो है संभाजी को उठा लाता है और गिरफ्तार कर लेता है, कैद कर लेता है। इस समय जो है, इस समय अंग्रेजों के पास 19 सूबे हुआ करते थे। ठीक, 19 सूबे अंग्रेजों के पास हुआ करते थे शाहजहां की मृत्यु के बाद। शाहजहां जब मरा था, शाहजहां की मृत्यु के बाद, शाहजहां जब मरा था तो 19 सूबे हुआ करते थे मुगलों में, मुगलों में 19 सूबे हुआ करते थे। और जो है गोलकुंडा, बीजापुर, ये दो इसने और एड कर लिए। ठीक, 20 सूबे, 19 सूबे हुआ करते थे, लेकिन होता क्या है कि 1687 ईस्वी में गोलकुंडा, 1686 ईस्वी में बीजापुर जो कि कर्नाटक में है, इसको दोनों को जोड़ लिया। ठीक, तो क्या बताया हमने, 1686 ईस्वी में गोलकुंडा और 1687 ईस्वी में बीजापुर, ये दो सूबा और जोड़ दिया। और ये दो सूबा जोड़ने के बाद मुगलों के पास अब 21 सूबे हो गए, जो सबसे अधिक सूबे थे। सर्वाधिक सूबे जो है औरंगजेब के समय में ही हुए हैं, 21 सूबे मुगलों के पास थे। सूबे का मतलब होता है राज्य, तो एक प्रकार से जान लीजिए कि भारत के 21 राज्य जो है वो मुगलों के कब्जे में। तो उसी के बाद जैसा कि हमने बताया कि औरंगजेब, तो इसकी अगर बता दें तो 1689 ईस्वी में ही औरंगजेब ने संभाजी पर आक्रमण किया, संभाजी पर आक्रमण किया और उसे कैद कर लिया। ठीक, 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने उस पर आक्रमण किया और उसे कैद कर लिया। और होता क्या है कि उसको आक्रमण करने के बाद, देखिएगा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि मतलब कि संभाजी को मार देता है और इसके पुत्र, संभाजी के पुत्र साहू जी को कैद कर देता है। ठीक, संभाजी को मार देता है, क्योंकि संभाजी जो था वो अकबर को पनाह दिया था, इसीलिए संभाजी को मार करके उसके पुत्र साहू जी को कैद करके उठा ले जाता है। ठीक, और उत्तर भारत, अब अगर हम बात करें कि जिस समय औरंगजेब दक्षिण भारत पर लड़ रहा था उस समय औरंगजेब का एक बहुत ही प्रसिद्ध और ईमानदार वजीर हुआ करता था जिसका नाम था असद खान, याद रखिएगा असद खान। और असद खान लगभग 31 वर्ष तक, 31 वर्ष तक जो है सेनापति या वजीर बनकर शासन किया।
तो प्रश्न बनता है कि औरंगजेब का प्रसिद्ध एक मिनट तो देखिए असद खान जो था 31 वर्ष तक वजीर बनकर शासन करता है और इसी के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हिंदू शासक जो थे वो औरंगजेब के दरबार में ही थे। सबसे ज्यादा हिंदू शासक चाहे कह लीजिए और चाहे आप मंत्री कह लीजिए, ठीक, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक हिंदू मंत्री औरंगजेब के समय में ही थे, ठीक, सर्वाधिक हिंदू मंत्री। और इसी के बाद 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब का जो मकबरा बनता है वो दौलताबाद में बनाया जाता है, ठीक, मकबरा। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर में होती है और औरंगजेब का जो मकबरा बनता है वो कहाँ बनता है, दौलताबाद में बनता है। तो देखिए इसकी जो आत्मकथा थी वो आलमगीर नामा के नाम से है, ठीक, जिसको जो है कासिम सिराजी ने लिखा था। क्या चीज था, आलमगीर नामा, और जिसको किसने लिखा था, कासिम सिराजी। तो औरंगजेब की जो आत्मकथा थी उसे आलमगीर नामा के नाम से जानते हैं। मोहित, मैं कमेंट तक देखता हूं और बस केवल ये है कि रिप्लाई नहीं करता हूं क्योंकि जब मैं बताता रहता हूं तो चूंकि देखिए कि मुझे पता है कि आपको क्या क्या बताना है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है मेरा ध्यान उधर रहता है और मैं कमेंट ध्यान देखता हूं कि हाँ कमेंट कर रहे हैं बच्चे, बट कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं उसके लिए सॉरी। लेकिन जो है कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे होंगे, मैं जब रुकता हूं तो फिर जरूर कमेंट देखता हूं सबका और बाद में भी वीडियो खत्म होने के बाद भी कमेंट मैं देखता हूं कि कौन से बच्चे कमेंट किए कौन से नहीं किए कैसे क्या, तो सब चीज जो है ध्यान रहता है हमारा आपके ऊपर। तो ये चीज था, कासिम सिराजी ने जो है औरंगजेब की आत्मकथा लिखी थी। यहीं पर जो है हमारा मिडिवल हिस्ट्री खत्म होता है और अब जो है नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा मुगलों का पतन। भाई औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है धीरे धीरे मुगलों का पतन होता शुरू हो गया, मुगलों का पतन होने लगा और जो है उसके बाद अंग्रेज फिर जानते ही हैं आप लोग, तो इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए सारा कंटेंट मैं फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरे यूट्यूब चैनल पर आप घूम कर कहीं भी देख लीजिए, जितने भी फेमस चैनल हूँ, अगर जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ इससे ज्यादा कोई कंटेंट दे दे तो बताइएगा। किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर मैं यूपीएससी प्री लेवल तक की बात करूं तो यूपीएससी प्री लेवल तक भी जो है आप हमारे इस क्लास को देखकर जा सकते हैं और गारंटी करता हूं कि आप जो है यूपीएससी प्री जो है जरूर क्वालिफाई कर लेंगे। तो देखिए अपना प्रेम और स्नेह बनाए रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाते रहिए। ये आपका अपना चैनल है, सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, आप सबका चैनल है, तो इसलिए आप सब लोग सपोर्ट करें, थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तब भी जो है हमारा काम चलता रहेगा और आप लोगों को डेली कंटेंट मिलते रहेंगे, ठीक। तो आप आज तो ये टारगेट रखिए कि आप कम से कम 2 लोगों को जरूर सब्सक्राइब करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।